एनसीबी ने दीपिका पादुकोण की मैनेजर को ड्रग्स केस में समन भेज दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण एक ए लिस्ट की टॉप एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड में। और अब आपको बता दें कि आज जैसे कि एनसीबी ने जया साहा और श्रुति मोदी को समन भेजा था और आज उनकी पूछताछ हुई है। अब आपको बता दें कि सबको यही बात पता होगी कि ड्रग चैट रिवील हुई है जया साहा की, जिसमें एक डी के नाम से नाम आ रहा था और एक के नाम से नाम आ रहा था। जी हाँ, अब आपको बता दें कि रिपब्लिक चैनल के जो खबर है इसके अनुसार आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण का जो डी से है वो दीपिका पादुकोण का नाम है। जी हाँ, 2017 की चैट है जिसमें वो ड्रग्स के लिए बात कर रहे हैं एक तरह से। अब आपको बता दें कि ड्रग्स और कोकेन के बारे में बात कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि नाम रिवील हो चुका है, डी मतलब दीपिका पादुकोण और के एक और नाम है, के से कुछ और नाम आ रहा था, एक बड़ी हस्ती है के। अब आपको बता दें कि लेकिन अब एक ट्विस्ट आया है इसमें, ट्विस्ट ये आया है जो डी है मतलब दीपिका पादुकोण और उनकी जो मैनेजर हैं उनका नाम करिश्मा है। जी हाँ, और एनसीबी ने करिश्मा को समन भेजा है, कल करिश्मा को एनसीबी के सामने पेश होना पड़ेगा। जी हाँ, अब आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। जी हाँ, और इसमें बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, बहुत सारे बॉलीवुड के ऐसे एक्टर्स हैं जो कि इस कार्टल में इंक्लूड हैं। अब जो टॉप मोस्ट की एक एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण, जो कि अब आ चुकी है एनसीबी के घेरे में, अब उनके मैनेजर को समन भेजा है, फिर क्या पता दीपिका पादुकोण को समन भेजा जाएगा और ड्रग्स केस में सबसे पूछताछ होगी। जी हाँ, सो आपको बता दें कि कैसे आप देख सकते हैं कि कैसे रिया चक्रवर्ती ने जैसे ही मुंह खोला बॉलीवुड सेलेब्स के नाम के लिए और कैसे बहुत सारे नाम निकल के सामने आ चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियोस ऐसी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा, तो चैनल के साथ बने रहिए।